है तख्त तेरा, तू वास देने आदे, तब सपना है बुझाया, तू वास देने आदे, तब सपना है बुझाया, नहीं रिवील कर सकते, लेकिन मैंने उनसे बात की है और उनसे कहा है कि प्लीज अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो है हो सकता है कोई ना कोई बहन अपने घर में प्रोग्राम को देखकर जो है शायद उनको कोई शक हो, कोई कंफ्यूजन हो, शांति ना हो, नींद ना आ रही हो, बहुत परेशान हो, तो बहन की गवाही से उनको जो है तसल्ली मिल सकती है। प्रभु ने कहा जाओ मेरे नाम से गवाही दो, ताकि जो दुखी लाचार है वो मेरे पास आए। खुदा उनका शुक्र करती हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस वक्त मेरे साथ सिस्टर हैं, वो बातचीत करेंगे, मैं उनसे पूछूंगी कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे उन्होंने प्रभु जी को पाया। सबसे पहले मैं आपको जय मसीह कहती हूँ। जय मसीह की जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चाहा के प्रभु के नाम की आप गवाही दें आज। सबसे पहले बताएं, आप गवाही प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे? हाँ जी, बहुत हर गवाही प्रोग्राम देखते हैं। क्या सीखते हैं, आपको कैसे लगता है कि कितने विश्वासी प्रभु के पूरी दुनिया में जब गवाही देते हैं तो आपको क्या उससे मतलब रिसीव होता है? उससे और भी उत्साह बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तुम्हारा प्रभु में, और जानने को और ग्रो होने को दिल करता है। आमीन। सिस्टर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप ऑफ कोर्स अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जितना आप समझती हैं कि आपकी शादी हुई, आप बर्तानिया में आए, और कैसी थी आपकी जिंदगी, और कितने साल पहले आप आए? मैं 50 साल पहले आई थी यहाँ पर। जिंदगी इतनी अच्छी तो नहीं थी पहले, मगर फिर उसके बाद काफी साल बीत गए, बच्चे भी थे, फिर दूसरे अपने जैसे धर्मों में काफी इंटरेस्ट था, पूजा पाजा करते थे, लेकिन कुछ शांति नहीं मिलती थी मन में। और पिछले 10-15 साल तो काफी जैसे अपने धर्म में काफी थे, और कुछ लोग पैसा खाते थे और कुछ उसका कुछ रिटर्न नहीं होता था। यहाँ पर आते थे गुरु वगैरह और धोखे से पैसा पूसा खाते थे वो। उसके बाद मेरा बेटा जो छोटा है वो शुरू से ही था, गॉड में था वैसे, पर अब तीन लास्ट 3-4 इयर्स से वो जीसस को बहुत जान गया था। अच्छा, मैं क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हुई जैसे आपने चाहा था वैसा पति का आपको प्रेम मिला? नहीं। उस वक्त जो एक लड़की की शादी होती है और आती है, खास तौर पे इंग्लैंड में आ जाती, यूरोप में आ जाती है, अकेली होती है, उस वक्त को जब आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने मुश्किल मतलब उस समय को जो था फेस किया आपने? हाँ, यहाँ आई थी तो अकेले ही थे, अकेली थी मैं वैसे, और सभी रिश्तेदार वगैरह बहन भाई तो सब इंडिया में ही थे। जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पर, उदासी भी थी और कुछ घरेलू हालात भी अच्छे नहीं थे। वजह क्या थी, मतलब एक जो अपनी मर्जी से एक आदमी एक मतलब लड़की को पसंद करके लेके आता है और अपना जीवन साथी उसे मतलब मानता है, फिर यहाँ के क्यों जो है हालात बदल जाते हैं, वो क्यों इतना ज्यादा मतलब तंग करना शुरू कर देते हैं? पता नहीं, यहाँ आकर कई बार कुछ कह नहीं सकते। तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, आप यंग थे, और उस वक्त फिर उसके बाद जो था मतलब जो पति का ना प्यार मिलना, फिर आप जॉब भी करते थे? हाँ जी, जॉब भी करते थे। तो कैसे अपनी फीलिंग्स को आप छुपाते थे जब आप जॉब पे जाते थे, कि किसी को पता भी ना चले कि आप दुख में से गुजर रहे हैं? हाँ, बस झूठ ऊपर से छुपाना पड़ता था, छुपा लेती थी थोड़ा बहुत, और कई बार लोगों को पता लग भी जाता होगा तो लोग कहते नहीं। तो इस तरह से आप अकेली अपना साथ मतलब, कभी आपने ये प्रश्न किया था प्रभु से कि तू क्यों मुझे इतनी सजा दे रहा है, या तू कहाँ है प्रभु, तू कौन है, मतलब कभी सोचा था आपने, कभी ऐसी सोच आई थी दिल में? सोच तो बहुत आती है लेकिन जवाब नहीं मिलता था, कुछ जवाब नहीं मिलता था।
और जब आप ये मुश्किल वक्त में से आप गुजर रहे थे तो आपके पेरेंट्स को पता था कि आप आपकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कभी बताया नहीं था उनको। तो जब लेटर लिखते थे उसमें सब ठीक कभी है? हाँ जी सब ठीक है, क्योंकि वो इतनी दूर थे, मैं क्या बताती हूँ। कोई आपकी फ्रेंड यहाँ बनी, कोई सहेली जिसके साथ आप वन टू वन कर सकते थे? सहेलियां तो थी लेकिन ज्यादा दिल की बात नहीं बताती थी मैं, क्योंकि ये भी डर होता होगा अगर पति को पता चला तो फिर वो और मारेगा और तंग करेगा और झगड़ेगा। अच्छा फिर कितनी देर के बाद आपके बच्चे हुए शादी के बाद? बच्चे तो यहाँ आते, एक बेटा पहले हो गया था, फिर 4 साल बाद फिर दूसरे बच्चे हुए। तो आपके बच्चे फिर आपके साथ, आपको लगा कि जैसे बच्चे दोस्त की तरह आपके साथ मतलब वो दुख को समझने लगे और आपको कोई अच्छी कम्फर्टिंग वर्ड्स उनसे मिलते थे? हाँ जी बच्चे बहुत हेल्पफुल थे, बड़े होके भी हेल्पफुल। क्योंकि सिस्टर आप जैसी बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन शुक्र है मैं प्रभु का इस वक्त धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चों की वजह से जो है माँ के जो आंसू है वो खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक दोस्त की तरह, एक माँ की तरह, एक बहन भाई की तरह उस गैप को फुलफिल करते हैं। अच्छा उसके बाद मुझे बताएं फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए एजुकेशन ली उन्होंने? हाँ जी बस जब बच्चे बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए थे, वो समझने लग गए थे कि क्या हो रहा है घर में। फिर उसके बाद मैं और बच्चे रहने लग गए अलग से। अच्छा तो आपके पति ने और शादी कर ली, आपको तलाक दे दिया? हाँ जी। तो जब आपको ये पता चला तो कितना बड़ा था ये सदमा आपके लिए? हाँ सदमा भी था और कुछ ये भी था कि चलो रोज की लड़ाई से तो अच्छा है अलग, तो काफी था। और बच्चों ने इस बात को कैसे लिया? बच्चों ने देखा कि माँ की जो रोज मार पड़ती है और जिंदगी खराब है तो उससे अलग ही ठीक। तो कितनी एज थी आपके बच्चों की? था टीनेजर थे? हाँ जी। क्या आप माफ कर पाए उस जीवन साथी से जिसके साथ आपने मरने और जीने की कस्में और वादे खाए मतलब लिए हुए थे? क्या इतनी बुरी तरह से आप गए आपको ट्रीट करने के बावजूद क्या आप उन्हें माफ कर पाए? पहले तो बहुत गुस्सा भी आता था और माफी नहीं देने को मन करता था, लेकिन अब जीसस में आके जीसस ने कहा है कि माफी दो, दे दो सबको, नो मैटर कुछ भी करे तुम्हारे साथ। बिल्कुल। उसके बाद जैसे आपने बताया कि अफकोर्स जिंदगी से समझौता कर लिया कि अब बच्चे मेरी पूंजी है, यही मेरा खजाना है, अब इन्हीं के साथ मेरी जिंदगी है। ये एक बड़ी बहुत बड़ी डिसीजन है जो एक औरत लेती है, है ना? ये बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बड़े करना और यू नो अपनी जिंदगी को साथ साथ स्टेबल रखना, ये बड़ी बात है। मैं आपको रियली शाबाश देना चाहती हूँ और कि आपने इस बात को इतनी समझदारी से हैंडल किया। अच्छा इसके बाद जब फिर आपके बच्चे जो है, ऑफ कोर्स आपके बेटे की शादी हो चुकी है, बाकी जो छोटा बेटा है इसकी जिंदगी में जो है कैसे जो चेंजेस आए, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है अब आपकी जिंदगी जो प्रभु में है। हाँ जी छोटा बेटा मेरा 3-4 साल से जीसस में काफी है, तो वो मुझे कहा करता था कि आप ही मम्मी इधर आ जाओ, इधर पीस बहुत है, पीस बहुत है जीसस में। लेकिन मैं कहती थी कि नहीं, मैं जो अपने करती हूँ अपने अपने धर्म में हूँ, अपना जो करते हैं हम उसमें खुश हूँ, उसमें खुश हूँ, मैं नहीं आऊंगी। तो आपको डर लगता था कि आपका बेटा शायद गलत राह पे चल पड़ा है, इसको बल्कि मेरे साथ होना चाहिए, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं इसकी माँ हूँ? हाँ। और मेरे जो माँ बाप ने मुझे सिखाया है जिस तरह मैं बड़ी पली हुई, तो ये गलती कर रहा है, कभी ऐसा एहसास हुआ? पहले पहले लगता था कि ये भी अपना वही करे जो मैं करती हूँ। अच्छा। लेकिन वो नहीं मानता था, वो कहता था कि नहीं शांति सिर्फ जीसस में है एंड ही इज द ओनली वे ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन एल्स बट जीसस। तो उस वक्त आपको ये बातें कैसी लगती थी जब वो ये कहता था? उस वक्त इतना ध्यान नहीं देती थी मैं, इतना बुरा नहीं मानती थी वैसे। अच्छा। पर मैं ज्यादा अपने आप को नहीं करती थी ज्यादा। अच्छा सिस्टर एक और बात, अच्छा इसके दौरान जब आपकी ऑफ कोर्स मतलब सारी जिंदगी जो बदल गई, अब आपके रास्ता
जो था बहुत नैरो था, बहुत तंग था रास्ता, और एट द सेम टाइम कम्युनिटी से लिंक रखना, और जो खासतौर पे शादीशुदा औरतें हैं जो खुश हैं अपने घर में, उनके साथ मिलना जुलना, ये सारी बातें बंदा ऑब्जर्व करता है और इसमें सोचता है कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मुझे क्यों इतनी चोट लगी, बड़ी लगी। तो इसके दरमियान आपने अपनी कोई आत्मिक तरक्की के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रूहानी तरक्की के लिए कुछ आपने कोई रास्ता मतलब अपनाया हो, किसी को गुरु माना हो? करा था, गुरु धारण करा नाम, था नाम ना ले बेशक। हाँ। ना जी, अच्छा गुरु धारण किया आपने, लेकिन उसमें भी धोखा था, वो लालची था। अच्छा, वो लालची था, वो यहाँ कर आता है, अभी भी आता है, वो लोगों से बस लालच के पैसा दूसरे के लालच, धर्म के नाम पे मतलब ढोंग, धर्म के नाम पे बिल्कुल ढोंग है, और लूटना। मैं कहती हूँ लोगों से, ऐसे गुरुओं से बच के रहो। और खासतौर पे आप समझते कि जो सिंगल औरतें हैं वो ज्यादा इन ऐसे जो बापे हैं जो मतलब जबरदस्ती क्या कहते हैं आपकी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आप समझते हैं कि वो टारगेट करते हैं जो सिंगल औरतें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा टारगेट करते हैं उनको, ऐसी सिंगल औरतों को देख के टारगेट करते हैं ज्यादा, उनके घरों पर नजर रखते हैं। आप समझते हैं कि बरतानिया में ऐसे बहुत सारी औरतें हैं, फैमिलीज हैं जो इस तरह की शिकंजे में मतलब फंसी हुई, या इस तरह की लोगों के के हाथ मतलब कहते हैं जैसे हाथ चढ़ जाना? हाँ, तो आप समझते हैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो उनके कब्जे में है, मेरा ख्याल ऐसी बहुत है लोग। मुझे नहीं समझ आती ये औरतें जो सब कुछ ये लोग जानते हुए पढ़े लिखे फिर भी जो है कि दूसरे लोगों के मतलब अपने आप को प्रटेंड करता है कि मैं बड़ा रिलीजियस, उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे इस कंट्री में बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आपको भी लगा कि आपने काफी अरसे तक जो गुरु धारण किया उसने आपको धोखा दिया? हाँ जी बहुत, और उसके साथ जो मिले हुए उसके यहाँ के लोग जो शिगिर्द बने हुए हैं जो वो भी उसको उठाते हैं उसको। तो क्या आपको गुस्सा आता है, आप चाहते हैं कि काश के बाकी भी समझें कि ये जो गलत काम हो रहा है धर्म के नाम पे, आपको गुस्सा आता है? बहुत बहुत आता है। हाँ। अच्छा, तो जब आपको बेटा नहीं मानता था इन चीजों को और आपको मना करता था कैसे गुरुओं को छोड़ दो? हाँ बिल्कुल, और तब मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब पता है वो ठीक ही कहते थे। अच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप माँ हैं, आप सोचते हैं कि मैं सही रास्ते पे चल रही, मेरे मैं जो कर रही हूँ ठीक है, और बच्चे शायद गलत। अच्छा, अब जो छोटा बेटा था उसकी वो बचपन से ही प्रभु की तलाश में था? हाँ बचपन से ही प्रभु की तलाश में था, वो कहता था कि मैंने सब धर्म को पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन कहता कि आखिर में मैं अब ये जान गया कि सिर्फ वन एंड ओनली वन लॉर्ड जीसस इज द ओनली गॉड, ही इज द वही है परमात्मा, वही है गॉड, वही है। अच्छा, शांति उसके चरणों में ही है और कहीं नहीं है। आमीन। तो ये बेटे को कैसे, किसी फ्रेंड ने उसको बताया जीसस के बारे में? किसी फ्रेंड ने बताया, फिर वो चर्च गया तो उसको इंटरनल पीस भी मिला, उसको पीस मिलता था, फिर अच्छा। वो चर्च जाता रहा। हाँ। और एक साल के बाद उसने बैप्टिज्म लिया चर्च जाने के बाद। अच्छा, और फिर उसने मेरे को अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि मम्मी यीशु ही राह हक और जिंदगी, वही सत्य है, वही जीवन है, और आप भी चले? तो आपने फिर किस तरह से, क्या आपके मन में आया कि हो सकता है कि यहीं पे वो मुझे परमेश्वर मिल जाए? हाँ, मैं फिर मुझे चर्च ले जाता था जबरदस्ती, लेकिन मैं इतना पहले शौक से नहीं जाती थी। अच्छा, लेकिन एक बार वहाँ पर मुझे जीसस ने टच करा। अच्छा, कितनी देर आप चर्च जाते रहे इससे पहले कि यीशु आपको आपकी जिंदगी को बदले या आपको कभी वन से मंथ या छह हफ्ते में एक बार, साल दो साल इस तरह से? हाँ, दो साल ऐसे जाती, एक साल समझो ऐसे जाती। चर्च में जाते थे तो आप जब लोगों को देखते थे आपको क्या लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये इनका अपना ही धर्म है कोई? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे इतना वो नहीं होता था। अच्छा, मतलब कुछ इतना मतलब फीलिंग या कोई कुछ नहीं था? मैं अपने बेटे के लिए चली जाती थी, मुझे खींच के ले जाती। अच्छा, तो फिर अच्छा उसने बाइबल भी दिया होगा आपको? हाँ जी, बाइबल उसने मुझे दो ला के दी। अच्छा, पढ़ने की कोशिश की आपने? हाँ जी, मैं पढ़ती, अब ज्यादा पढ़ती हूँ, पहले इतना नहीं पढ़ती थी। जब पढ़ते थे कुछ समझ आता था आपको? थोड़ा थोड़ा आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले कभी भी आपने जीसस के बारे में सुना था अपने बेटे के बताने से पहले? हाँ, सुना तो हुआ था। किससे सुना था आपने? टीवी ऐसे, टीवी वगैरह पे बस। अच्छा, तो क्या समझते थे ये कि मतलब ये अंग्रेजों का प्रभु है? यही समझते थे कि ये अंग्रेजों का है।
क्योंकि आप बर्तानिया में देखें हर मतलब रिलीजियस फ्रीडम की वजह से जगह जगह जो जिस भी हम धर्म से आए हैं जिस भी कल्चर से जो भी मतलब पूरी इजाजत है पूरी परमिशन है कि आजादी से आप जा सकते हैं आ सकते हैं. लेकिन इसके दरमियान कभी आपके दिल में ख्याल आया कि जिस कंट्री में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं जो गवर्नमेंट है यहाँ की इनके पीछे ये कौन है इनका कौन है प्रभु कभी सोचा था आपने? पता था कि ये जीसस गुरु का है ये समझते थे हम. अच्छा तो इंडिया में आपके कोई ऐसा नहीं है प्रभु के पास अभी तक नहीं आया? नहीं. अच्छा जी. अच्छा तो फिर मुझे बताएं कि जब आप जाते रहे लेकिन कुछ भी महसूस नहीं किया बाइबल भी घर में ले आए बस बेटे को खुश करने के लिए करते गए. हाँ जी. अच्छा. फिर एक दिन चर्च में जब मैं गई तो मुझे फिर वहाँ पर फीलिंग हुई मुझे टच हुआ यहाँ ना. अच्छा क्या थी फीलिंग मुझे थोड़ा सा बताएं क्योंकि हमारे अजीज जो देख रहे हैं मैं चाहती हूँ बहन कि उनको पता चले क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं बस लेकिन कहते हैं कि चलो जी एक रिलीजियस जगह पे आ गए लेकिन वहाँ यीशु से मिलना जो बड़ी बात है तो क्या उस वक्त आपको महसूस हुआ? एक तो जब वो प्रे कर रहा था पास्टर मेरे लिए तो फिर एकदम से लाइट आ गई सिर के ऊपर और मैं गिर पड़ी जैसे और उसके बाद काफी पीस महसूस हुआ. जब आप गिरे तो आपने कुछ देखा कुछ आपको महसूस उस वक्त हुआ? नहीं लाइट थोड़े एक दो मिनट के लिए तो कुछ पता नहीं लगा फिर. अच्छा. काफी लाइट जैसे सिर के ऊपर काफी लाइट जैसे लगी मुझे. ठीक ठीक. और शरीर कैसे आपको फील हो रहा था? लाइट फील हो रहा था. हो गया बिल्कुल. और घर आके फिर नींद बड़ी अच्छी आई. उसके बाद फिर दिमाग कई बार मतलब जैसे टेंशन फ्री हो गया जैसे. अच्छा सिस्टर एक और बात कि आप अपने सोने के लिए आपने बताया कि मुझे बता रहे थे कि आप गोलियां खाती थी गोली खाकर सोती थी. हाँ जी गोलियां खानी पड़ती थी फिर वो जब से ऐसा हुआ उसके बाद गोली नहीं खाई रात को नहीं. आप समझते कि ये जो एक्चुअली ये एक्चुअली आत्मिक प्रॉब्लम है जैसे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कि जो नींद ना आना वो दिमाग हमारा इतना टेंस्ड किया होता है इतना उसको टॉर्चर किया होता है हमारे अंदर का जो इंसान है कि उसको भी जो है जीसस ही मतलब जो है उसे रिलैक्स कर सकते हैं. तो पहली बार जो जब आपने प्रभु को अपने पास पाया आप जो थे गिर गए जब आप उठे आपको शांति मिली आप खुशी से घर आए अंदर एक खुशी की लहर आपके अंदर महसूस हो रही होगी आपको. खुशी और शांति जैसे शांति मिल गई थी. तो आपने अपने जब बेटे को बताया उसने देखा कि मामा को जो है वो तो बहुत खुश था. अच्छा. वो तो बहुत ही खुश था कहता था कि आज मेरी प्रेयर सक्सेस होगी वो मेरे लिए प्रे करता था. अच्छा ठीक. वो अपने फ्रेंड्स को भी कहता था कि प्रे मेरी मम्मी के लिए प्रे करो टू सेव माय मॉम. ब्लेस हिम. अच्छा तो फिर जब वो बहुत खुश हुआ और फिर आप घर आए और उस रात आपने नींद की गोली ली? नहीं. क्या कहा क्या सोचकर आपने छोड़ा? गोली वैसे मैं एवरी नाइट नहीं लेती थी. अच्छा. कभी हफ्ते में दो तीन बार. ठीक. लेकिन लेनी पड़ती थी. हाँ, सोने के लिए कोई बात दिल में लग जाती थी तो फिर आप सोचते रहते थे. हाँ. उस बात को. ठीक है. अच्छा तो अब जो था अब कितनी देर हो गई आपने नींद की गोली नहीं ली? एक साल हो गया. हालेलुया हालेलुया. प्रभु की तारीफ हो सचमुच प्रभु की तारीफ हो. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. मैं भी आपके साथ करती हूँ कैसे हो सकता है हमारे अजीज जो शायद इसी सिचुएशन से गुजरे हैं जैसे हमारी बहन ने इतनी सफरिंग देखी है पति का प्यार न पाना घर में क्लेश दुख मारपीट. वीकेंड कैसा बुरा होता होगा उस वक्त है. ऐसी बहुत सारी औरतें हैं सिस्टर मैं जानती जो वीकेंड यूं लगता है जैसे जहन्नम बन जाना और एक ना घर जो है जो घर एक कहते हैं जो एक 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 परिवार के लिए बनाया जाता है वो एकदम हेल की तरह बन जाता है. वीकेंड पे लड़ाई झगड़ा ऊंची आवाज तोड़ फोड़ मारना चीर फाड़ ये मुझे पता है वीकेंड्स पे बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े लोगों के घरों में होते हैं. तो ये सारे ट्रॉमेटाइज करने का किसी को कोई हक नहीं है लेकिन आपने इतना बर्दाश्त किया मैं हैरान हूँ. और अब जो है यीशु के पास आए फिर आपको ऑलमोस्ट एक साल हो गया है ना? हाँ जी एक साल हो गया. बैप्टिज्म लिए एक महीने. अच्छा आपने बैप्टिज्म ले लिया. हाँ जी. ठीक है. उसी चर्च में लिया जिसमें बेटा लेके गया था. हाँ जी. वेरी गुड प्रेज द लॉर्ड. तो पास्टर से आपकी बातचीत होती है कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है आप उन्हें देते हैं? कभी प्रेयर करनी होती है तो करते हैं वहाँ मिनिस्ट्री काफी बड़ी है. जी 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 जी. अच्छा सिस्टर और इसके बाद मुझे बताएं आपने मैं ग्लोरी टीवी भी बहुत देखती हूँ. ग्लोरी टीवी मुझे ज्यादा समझ आता है वहाँ से चर्च से. ठीक. एक बार जो सिस्टर पैम बताते हैं बाइबल का वो मुझे अच्छी तरह समझ आता है और बड़ा मजा आता है मीठा अंदर से आनंद आता है.
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ इस बात के लिए। और सिस्टर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपने आप अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, कितने आपके बहन भाई इंडिया में है? बहन भाई, अच्छा, कितने? तीन बहनें हैं। तीन बहनें हैं, अच्छा जी, भाई है। भाई है, तो उनके साथ आपने शेयर किया? कभी बातचीत होती है? होती है। क्या कहते हैं वो? वो तो इतना नहीं करते, इधर मानते हैं से, पर मैं कहती हूँ कि पीस इधर ही है और कहीं नहीं है, यही पर एक गॉड सच्चा रास्ता यही है, बाकी सब झूठ है, अंधेरा है, रोशनी इधर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी आपका दिल टूटता नहीं जब वो कहते हैं कि ये तूने क्या किया, जो पुरानी सहेलियां या मिलने जुलने वाले, कि ये तू किधर चल पड़ी? पहले पहले थोड़े महीने होता था, लेकिन मेरा बेटा मुझे स्ट्रॉन्ग कर देता था, कहता था शैतान कोशिश करेगा, आपको शैतान के से डेविल से लड़ना होगा, शैतान कोशिश करेगा लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनना। ठीक, तो जो था ये वाक्य होता है, जैसे हम प्रभु के पास आते हैं उसकी निशानी ये है कि जो दुष्ट है वो भाग जाएगा, आपको आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि जीसस जब आपको छुड़ा लेता है तो उसके बाद किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि आपको वो छू सके। सिस्टर, आप अपनी फैमिली के लिए दुआ को हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और ग्लोरी टीवी काफी देर से आप देख रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, अब तो पिछले एक साल से तो बहुत ज्यादा देखती हूँ, पहले कभी कभी देख लेती थी, कभी नहीं। अच्छा, तो यूं लगता था ये क्रिश्चियन लोग है, पता था आपको जब ये चैनल ग्लो अप फ्लिक करते थे? हाँ, कि ये मसीही लोग हैं, ये मसीही लोग हैं। हाँ जी, लेकिन उतनी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी? दिलचस्पी नहीं, थोड़ी देर देख लेते थे। अच्छा, अब जो है, अब देखें घर घर में सैटेलाइट है, टेलीविजन है, आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ग्लोरी टीवी के थ्रू जो है मैसेज पहुंचाना, जैसे हम कहते हैं लाइफ लाइन है लोगों के लिए, आप कितना इम्पोर्टेंट इसे समझते हैं? ग्लोरी टीवी तो बहुत अच्छा, मसीहों के लिए भी, दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है, चैनल है ये, इससे आपको और ग्रो होते हो, तुम्हारी आत्मा स्पिरिचुअली यू ग्रो मोर एंड मोर। तो मैं तो यही कहूंगी कि ग्लोरी टीवी चलता रहे, सबको इसकी हेल्प करनी चाहिए, जो नए बिलीवर उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उनको सच्चे परमेश्वर का रास्ता नजर आएगा कि कौन है सच्चा परमेश्वर, इधर उधर मत भटको, एक ही रास्ता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब की जो प्रार्थना करने का जो तरीका है, उसमें जब आप दुआ करते हैं, क्या दिल में आपके पवित्र आत्मा डालते हैं? एक तो परिवार के लिए, ऑफकोर्स आप अपने यू नो बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इसके साथ कोई ऐसा कोई स्पेशल मैसेज लॉर्ड ने आपको दिया हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? यही कहती हूँ, मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने अपने चरणों में जगह दे दी मेरे को। मैं तो इधर उधर भटक रही थी, यतीम थी, अनाथ थी, शैतान के पंजे में जकड़ी हुई थी, लेकिन तूने मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, अपने परों के नीचे छुपा लिया। प्रभु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करनी है, तेरी तारीफ करनी है, बार 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 तेरे को मेरे पे तरस आ गया। Oh, bless. Thank you, Jesus. मैं मुझे चुन लिया, संसार से अलग कर दिया, संसार ने बहुत ठोकरे मारी मेरे को। Thank you, Thank you, Jesus. और जो कुछ होली स्पिरिट उस वक्त कहती है मैं बोल देती हूँ। 15-20 मिनट जब उठती हूँ तो प्रे कर लेती हूँ, फिर दिन में एक बार करती हूँ, फिर रात को भी। बहुत अच्छी, बहुत शांति है आपके घर में, बहुत पीस है। एक जो है, एक कहते हैं कि प्रभु के सच्चे दास के घर में होता है, मैं और सरफराज ये सेंस कर रहे हैं ना सरफराज, कि बहुत एक प्यारा माहौल है आपके घर का, पहले ऐसा कभी नहीं था। नहीं, पीस है, जीसस है इधर, हर कमरे जीसस का वास है, जीसस के लव से कवर हो गया ये घर, शैतान की हर चाल को नाकाम कर दिया, यीशु नाम में दफा कर दिया, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरा वास है प्रभु इस घर में, तेरा वास है, तेरे लव से कवर हो गया ये घर। मैं चाहती हूँ कि आप
जो हमारी बहनें इस वक्त जिन्होंने सारी आपकी बात सुनी है, जो आप कहना चाहते हैं उनसे कहें, अगर वो नहीं आई हैं, उनके पति उनको दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुछ बात करें, कहें आप जो उनको मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आप लॉर्ड जीसस के चरणों में आ जाओ, आपको शांति मिल जाएगी, आपके दुख भी वो उठा लेगा। जैसा कि जीसस ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। उसका एक एक वचन मोती है, सुच्चा मोती है जीसस का। क्योंकि बहुत सारी हमारी जो एशियन औरतें हैं खास तौर पे, वो घुट घुट के अंदर मर रही हैं, वो दुख बर्दाश्त कर रही हैं, और आदमी जो है आराम से दूसरी शादी कर रहा है, जो उसका जी चाह रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमारी औरतें बहुत सफर कर रही हैं। ये बहुत आपने अच्छा कहा कि यीशु के पास आ जाओ। बिल्कुल, शांति उसके चरणों में है, वो शांति का प्रिंस है, शहजादा है शांति का। और कहीं शांति नहीं है, किसी धर्म में शांति नहीं है, सिर्फ जीसस के चरणों में शांति है। कभी आपको होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी धार्मिक यात्राएं की हैं, लेकिन जिस शांति को, जिस सब्र को, जिस तसल्ली को आप पाना चाहते थे, वो तो आपके आपके बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल करीब था, पास था। कभी दुख होता है कि इतनी लंबी जर्नी मेरी जिंदगी की, मैंने क्यों टाइम जाया। बहुत होता है कि इतनी साल बीत गए, लेकिन कहते हैं जीसस ने कहा है, जो बाप नहीं आते हैं पहले हो जाते। सही बात है, सही बात है। अब आपके पास काफी वक्त है, आप प्रार्थना में गुजारते हैं। जाहिर है अगर आप जैसी कोई औरत है जो प्रभु को नहीं अभी मानती, वो टीवी पे किस तरह के प्रोग्राम देख के अपना टाइम पास कर रही है, टाइम जाया कर रही है। लेकिन वैसे भी हम एशियन लोग जो होते हैं, कहते हैं कि जब बूढ़े होंगे तो हम फिर प्रभु के पीछे लग जाएंगे, फिर जो है हम धर्म के काम करेंगे। आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि ये यीशु क्या बुजुर्ग लोगों के लिए है, मिडिल एज लोगों के लिए है? नहीं, सबके लिए है, सबके लिए। जो भी कोई आपकी इस वक्त गवाही को सुन रहा है, वो यीशु को पुकारे, यीशु को पुकारे, वही एक नाम है, सच्चा नाम वही है, सच्चा मार्ग वही है, शांति देने वाला वही है। सच्चा, मैं चाहती हूँ आप प्रार्थना करें सबके लिए जो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, खासतौर पे इंडिया के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु पिता परमेश्वर, इस दुनिया सब को प्रभु जी तेरा नाम मिले, तेरे चरणों की भक्ति मिले प्रभु, क्योंकि तू ही एक सच्चा परमेश्वर है प्रभु। लोग अंधेरे में है प्रभु जी, अंधेरे में है, उनको निकाल के अंधेरे से अपने अपने रास्ते पे ले आओ प्रभु जी। You are the way, the life and the truth. You are the way, the life and the truth. प्रभु तेरे बगैर कोई दूसरा ना नहीं पिता परमेश्वर, तो उस प्रभु सबको अपनी राह दिखा, अपना रास्ता दिखा, छू ले प्रभु जी, छू ले इज़राइल, यूलिज़म, शांति हो प्रभु जी, सब दुनिया प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार होगी, तेरी स्तुति होगी, तेरी आराधना होगी प्रभु जी। मैं तो यही कहती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, सब तेरे चरना है, सब जैसे मुझे शांति मिली, सब मुझे शांति मिली। थैंक यू सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गवाही को हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अजीजो, अगर आपके पास टेस्टिमनी है, आपके पास गवाही है, आप उसे ज़रूर दें। इसी तरह से जब हम बहन से बातचीत करें तो मैंने कहा, बेशक गवाही देना बहुत ज़रूरी है, बेशक हम नई आइडेंटिटी रिवील कर रहे, लेकिन प्रभु ने जो इनकी ज़िंदगी में काम किया है, और जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ, मुझे इतना, मैं इमोशनली भी उतना ही ज़्यादा, मतलब अपने आप को हाइप महसूस कर रही हूँ, और साथ साथ जो खुशी मुझे उस अफराज को मिल रही है,
ये जानकर कि खुदा के कलाम आज पूरा होता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कहा कि जो माँ बाप को खुदा की तरफ मोड़ कर लाता है वो मुबारक है। तो मैं भी बहन के बेटे को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो कहता है कि पेरेंट्स का जो फोकस है वो खुदा की तरफ लाता है, और वो भी सच्चे खुदा की तरफ, सच्चे परमेश्वर की तरफ। तो आज खुदा हमें जो है, जो उसके भक्त हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, वो उन्हें शक्ति देता है ताकि वो दूसरों को जाके अमन के शहजादे, शांति के राजकुमार से मिला सके। उम्मीद रखती हूँ कि आज की इस शख्सी गवाही से, पर्सनल टेस्टिमनी से, मेरी बहनें जो बहुत सालों से शायद उदास होंगी, आज उन्हें सुकून और तसल्ली मिल चुका होगा, क्योंकि बहन ने भी इतने दुख जिंदगी में देखे हैं। अकेले सफर करते करते इंसान थक जाता है, लेकिन खुदावन जो है एट द एंड ऑफ द टनल वो वेट कर रहा है। वो मंजिल जो हमारी खत्म नहीं होती, जो उसे ढूंढते हैं, जो उसे पुकारते हैं, वो उनको मिल जाता है। यीशु ने कहा राह और जिंदगी मैं हूँ, और बहन ने भी यही कहा कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, पूरे साल से मैं प्रभु जी के साथ चल रही हूँ, और इन्होंने वाटर बैप्टिज्म यानी कि पानी का बपतिस्मा ले लिया, और अब इनकी जिंदगी में कोई भी शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, इनको कोई रिग्रेट नहीं है। और जिनको ये शायद अगर मसीह ना होते तो उन्हें माफ ना कर सकते, कि आज सबको माफ करके ये उस प्यार की सीढ़ी पे चल पड़े हैं जहाँ इनकी मंजिल यीशु है। उम्मीद रखती हूँ कि आपकी भी मंजिल, आपकी भी डेस्टिनेशन लॉर्ड जीसस होंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय मसीह की।